हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट क्लास 3 का रिवीजन 3। ओके, यहाँ पर आपको देखना है पेज नंबर 18 पे रिवीजन 3। फॉर्म पेयर्स मतलब आपको दो मतलब एक और दो बच्चे ने मतलब यहाँ पर एक्ट करना है आपको यहाँ पे। ओके, फर्स्ट वाला कहेगा व्हाट्स योर नेम, देन सेकंड वाला कहेगा माय नेम इज अली या माय नेम इज अधान, जो भी आपका नेम है सेकंड वाला आपको कहेगा। ये कन्वर्सेशन जो है आपको डेली क्लास में यूज करनी है, या आप घर पे हो या स्कूल में, आपको ये डेली में यूज करना है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट वाला कहेगा थैंक यू, तो नेक्स्ट वाला उसके आंसर में क्या कहेगा, यू आर वेलकम। फर्स्ट वाला अगर कहे थैंक यू तो आपको सेकेंड आपको उसका आंसर में क्या देना है, यू आर वेलकम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ आर यू, तो उसके आंसर में कहते हैं आई एम फाइन, थैंक यू। एंड और एक सवाल आप भी पूछ लेते हैं हाउ आर यू, मतलब आप भी कैसे हो, तो सामने वाला आंसर करता है फाइन। ओके, नेक्स्ट इज सॉरी, अगर आपको कोई सॉरी कहे तो आपको क्या कहना है, इट्स ऑल राइट, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। उसी तरह नेक्स्ट इज प्लीज मूव असाइड, मतलब आप बेंच पे बैठे हो तो आपको आपके फ्रेंड कह रहे हैं मतलब प्लीज मूव असाइड, मतलब साइड में हटो, ऐसा मत कहिए, आप इसे यूज में लाइए और कहिए प्लीज मूव असाइड। जो नेक्स्ट है, जो आपके बाजू रहेगा जो भी, तो वो कहेगा श्योर, मतलब क्यों नहीं, तो वो आपको साइड में जगह दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम 8 ईयर ओल्ड एंड यू, मतलब आपको उसे कहना है, दोस्ती करने के लिए आपको सवाल करना पड़ता है ना, तो आप इसीलिए कहेंगे हाय आई एम 8 ईयर ओल्ड एंड आप, तो मतलब मैं 8 साल की हूँ और तुम कितने साल के हो, तो वो सामने वाला आपके साथ जो भी आपका पार्टनर रहेगा वो कहेगा मी टू, मतलब एक ही क्लास में है तो एक एज भी एक जैसी रहेगी उसकी। ओके, तो ये मैनर्स है डेली के जो आपको स्कूल में और घर पे दोनों में इसका यूज करना है। ओके, अंडरस्टैंड, अल्लाह हाफिज़।